हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे ब्रेड और आलू से एक नई रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है ये। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ब्रेड रोल घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स से सुबह के नाश्ते में आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। झटपट बनकर तैयार हो जाता है मात्र 15 मिनट में। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रेड रोल बनाने के लिए हमने सामग्री ले लिया है। हमने ब्रेड लिया है, ब्रेड बड़े साइज वाला लिए हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए आपको तो बड़े साइज वाला ब्रेड लेना है, छोटे साइज वाले से सही से बन नहीं पाता है। तो हमने 10-8 ब्रेड ले लिया है। उबले हुए आलू लिए थे तो उसको मैश कर दिया, तो एक कटोरी आलू और थोड़ा सा पनीर लिए थे तो इसको हमने लंबे साइज में कट कर लिया है। पनीर डालकर बनाएंगे तो ब्रेड रोल तो और भी टेस्टी लगता है खाने में। बारीक कटा हरा धनिया एक कटोरी, प्याज कटा हुआ एक छोटा कटोरी और हमने फ्रोज़न मटर लिया है, हरी मिर्च ले लिए हैं। तो चलिए ब्रेड रोल बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी। तो एक बाउल ले लिए हैं तो उसमें हम मैश किया हुआ आलू ले लेते हैं। तो जितना आप ब्रेड लिए होंगे उसके हिसाब से आप स्टफिंग तैयार करेंगे। तो 1.5 चम्मच हमने उबला हुआ आलू ले लिया है, बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज ले लेंगे। अब इसमें ऐड कर देते हैं फ्रोज़न मटर। फ्रोज़न मटर ले लिया है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरी मिर्च, तीखा ही बनाएंगे ब्रेड रोल, तीखा अगर आप पसंद खाना कम करते हैं तो कम यूज करें। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हींग डाल देंगे, स्वाद के अनुसार आपको नमक डाल देना है, आमचूर का पाउडर 1 छोटा चम्मच, आप इसकी जगह पर नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा तो हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी और चटपटा स्टफिंग बनकर तैयार होता है दोस्तों। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो हमने स्टफिंग बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम बनाते हैं बेसन का घोल। तो हम एक दूसरा बाउल ले लिए हैं, तो 2 से 3 चम्मच हम बेसन ले लेते हैं। एकदम नए तरीके से हम बना रहे हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं खाने वाला सोडा डाल देना है आपको, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच से भी कम। अब इसमें हम डाल देते हैं खट्टा दही, खट्टा हो या सादा कोई सा भी दही आप इसमें यूज कर सकते हैं। दही डालकर हम बनाएंगे ब्रेड रोल तो इसका स्वाद और भी चेंज हो जाता है, खाने में और भी टेस्टी लगता है। दही डालकर आपको ब्रेड रोल किसी ने नहीं बताया होगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका गाढ़ा घोल रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए घोल बनकर रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा पतला हम इसको और कर लेते हैं, तब तक इधर हम ब्रेड कट कर लेंगे। तो चारों तरफ से जो ब्राउन पार्ट है ब्रेड का उसको आप चाकू से कट कर लेंगे पूरा। तो ये देखिए, तो ऐसे ब्रेड को हमें चारों तरफ से कट कर लेना है उसके ब्राउन पार्ट को। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ब्रेड के साइड वाले पार्ट जो है निकाल दिए हैं और जो ब्राउन पार्ट का है हम इसका एक रेसिपी और बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी। तो आप वो अगली वीडियो में देखिएगा। तो स्टफिंग भी रेडी हो चुका है। तो अब हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, रिफाइंड ऑयल लगाया है। तो इसका छोटा सा बॉल लेंगे और लंबे साइज में कर लेते हैं। तो ब्रेड के हिसाब से आप साइज का छोटा बड़ा करेंगे। तो एक पनीर उसके ऊपर रख देंगे, पनीर आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही लंबे शेप में आपको आलू को कर लेना है और पनीर इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप भी बनाइएगा। तो सभी बनाकर रेडी कर लिए हैं।
तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं टेस्टी क्रिस्पी ब्रेड रोल। तो एक प्लेट में थोड़ा सा पानी ले लिए हैं, अब ब्रेड को हल्का सा डिप करेंगे, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए नहीं तो जो है राउंड नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए ऐसे पानी निचोड़ देना है पूरा, और स्टफिंग जो रेडी किए हैं उसको ऐसे बीचों बीच में रखना है, और चारों तरफ से हम ब्रेड को अच्छे से कवर कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से कवर करना है आपको, ताकि जो है फ्राई करते समय ये खुले ना। तो ये देखिए दोस्तों एक रोल जो है बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो इसको हम कवर अच्छे से कर दिए हैं, तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। तो एक और हम इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। हल्का हल्का डिप करेंगे, पूरा ब्रेड उसमें नहीं डालेंगे, और पानी निकाल लेंगे, और ऐसे बीच में स्टफिंग रखकर चारों तरफ से कवर कर देना है आपको। तो ये देखिए दोस्तों दूसरा भी हमने एक रोल बना लिया। तो बाकी हम रोल इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। दोस्तों सभी रोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए 12-13 रोल बनकर रेडी हुआ है, अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो ये घोल हमने थोड़ा सा पतला कर लिया था, ये देखिए ऐसे हम चम्मच से गिराएंगे तो स्मूथली गिरना चाहिए, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। तो अब इसको इसमें हम बेसन रोल रेडी किए हैं, ऐसे डिप कर लेना है, तो ऐसे आप हाथ से भी डाल सकते हैं। तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तो इसको हम डाल देते हैं, ऐसे हाथ से भी डाल दे सकते हैं, और ऐसे चम्मच से भी हम डाल कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऐसे चम्मच से उसके ऊपर बेसन का घोल डालना है रोल पर, फिर ऐसे साइड से उठाकर जो एक्स्ट्रा बेसन उसको निकाल कर इसमें डाल देंगे। तो ऐसे ही डाल लेते हैं हम। तो ये देखिए हल्का सा एक कलर चेंज हो चुका है रोल का, तो गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको अच्छे से चलाते हुए फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये रोल खाने में दोस्तों। दोस्तों जो डार्क ब्राउन हो चुका है तो उसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी बन रहा है ये, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और दूसरा उसको भी निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी रोल को भी डालेंगे। तो तीन रोल हमने डाल दिया है, तो इसका भी कलर चेंज हो जाने तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। ये भी कलर चेंज हो चुका है, तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों आपके मुंह में तो पानी आ ही गया होगा ये रोल देखकर, टेस्टी क्रिस्पी। इसी प्रोसेस से सभी रोल हम फ्राई कर लेते हैं। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे, और साइज़ देखिए दोस्तों कितना बड़ा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो बाकी को भी हम ऐसे ही डाल देते हैं और रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे सभी ब्रेड रोल बनकर तैयार, एकदम क्रिस्पी चटपटा तीखा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देखिए दोस्तों हम आपको पास से दिखा देते हैं। आप इसको टोमेटो सॉस के साथ खाइए, या फिर तीखी चटनी हरी चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं। हम आपको एक तोड़कर भी दिखा देते हैं, ये देखिए कितना सॉफ्ट स्टफिंग आप देख सकते हैं, एकदम स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है ये रोल। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही टेस्टी लगता है।
रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको टेस्टी रोल रेसिपी कैसा लगा है। हम आपके जैसे स्वादिष्ट रेसिपी लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।